अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एक जो मैंने पोटैटो लगाया था ग्राउंड पे, उसमें प्लांट की ग्रोथ होने लग गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे से ग्रीन कलर का पौधा नज़र आ रहा है जो कि पोटैटो के अंदर से निकल के आया है ऊपर। उसके अलावा मैं इस वीडियो पे स्वीट पोटैटो को किस तरह से ग्रो करते हैं, स्वीट पोटैटो प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, उसको किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगी यहाँ पे। और मुझे ये स्पेस चाहिए था टमाटो प्लांट्स लगाने के लिए, तो टमाटर के प्लांट्स लगाने के लिए फिर मैंने इसको चेंज किया काफ़ी। ये जो गार्डन बेड मैंने साइड पर लगाया था उसको निकाला और थोड़ा सा जगह मट्टी वगैरह सॉफ्ट किया, उसके बाद टमाटो प्लांट्स मैंने इधर लगाया। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी टमाटो प्लांट्स लगाने की, क्योंकि जगह बहुत कम थी। और जो सीड मैंने डाले थे ना घर के टमाटर की कटिंग करके, एक टमाटर को मैंने लिया था उसको कट करके मैंने इसमें डाल दिया था, तो उससे माशाल्लाह से बहुत सारे सीड होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स निकल गए थे। तो अब उन प्लांट्स को लगाने के लिए मुझे अब जगह भी चाहिए, तो जगह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने ये तारों के साथ में ही मैं टमाटर के प्लांट को लगाया जो मैंने पॉट में डाला, ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पे यह है कि मैं इस टाइम वीडियो बनाना भूल गई जब मैं प्लांट लगा रही थी, तो यहाँ पे मैं टमाटर के प्लांट्स लगा चुकी हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे टमाटर के प्लांट्स मेरे पास बच गए थे जिसको मैं आगे जाके नीचे लगाऊंगी ग्रेप्स के साथ, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अब बारी आती है स्वीट पोटैटोज की। ये 1 मंथ से मैं इसको मैंने मट्टी पर डाला हुआ था स्वीट पोटैटो को, मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन किया था। 2 स्वीट पोटैटो मैंने लिए थे और लेने के बाद उसको मट्टी पर डाल दिया था और हल्का हल्का सा वाटर में दे दी थी। तो आफ्टर 1 मंथ इसके प्लांट्स निकलना शुरू हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत केयरफुली इसको थोड़ा सा उठाया था स्वीट पोटैटो को, ताकि इसके रूट कम से कम डैमेज हो, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हुए हैं ना, इसको मुझे सेपरेट करना था, उसको सेपरेट करके फिर इसको ग्राउंड पे डालना था। तो इस यही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कैमरामैन जो है मेरा वो 9 ईयर्स ओल्ड माई डॉटर है, सो अगर आप सही तरह से देख नहीं पा रहे हैं तो बस समझ लेंगे बच्चे कैसे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्वीट पोटैटो को उठा रही हूँ और इसको बहुत केयरफुल केयर के साथ में इसके रूट्स के जो पौधे निकले हुए ना छोटे छोटे से प्लांट्स, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ एक एक करके। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रूट के साथ में इसको तो इससे अलग करूँ स्वीट पोटैटो से, क्योंकि रूट डैमेज होगा तो फिर ये इसकी ग्रोथ में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ख्याल से इसको अलग किया है और कोशिश पूरी यही हुई है कि एक एक चीज़ को रिकॉर्ड की जाए कि किस तरह से मैं अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आराम से कि किस तरह से मैंने केयरफुली सबको अलग किया है और मोस्ट ऑफ जो है वो रूट के साथ ही अलग हुए हैं। तो उसके बाद मैंने ये सब प्लांट्स, जितने ज़्यादा मैं अभी ज़मीन में जगह थी मेरे पास उतने मैंने प्लांट्स को अलग किया इसमें से, और उसके बाद फिर इसको मैं ग्राउंड पर लगाऊंगी। और वापस मैंने ये जो शक्करकंदी है स्वीट पोटैटो है उसको वापस मैंने इसी मिट्टी पर डाल दिया था, ताकि जितने ज़्यादा प्लांट्स मुझे मिल सके मैं ले लूँ इस समर पे, और फिर मैं इसको बैग ख़रीदूँगी, इसका जो प्लांट्स का जो बैग होता है फिर उसमें भी मैं ट्रांसप्लांट उसमें लगा दूँगी।
फिर यहाँ पे सब पौधों को अलग किया मैंने, जैसे कि आपने देखा मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि जल्द आप लोग जल्दी कम टाइम पे देख सकें, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो मेरी वीडियो देखने में। तो फिर इसके बाद मैंने ये जो ज़मीन सॉफ्ट करके रखा था पहले से ही, उसमें मैंने डिग किया और उसमें फर्टिलाइज़र डाला ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट्स को फूड पूरा मिले प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं डिग कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैंने फर्टिलाइज़र डाला और उसके बाद फिर करके सब प्लांट्स को लगाया। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही मैं ये सब एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैंने ये रेड पोटैटो का मतलब डाला, सब कुछ मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं खुद लर्न कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ सीखें। और इसका मैं हार्वेस्ट जब करूँगी तो उसकी वीडियो भी बनाऊँगी, देखूँगी कि क्या कितने सक्सेसफुल रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ ही रहिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें, इससे मुझे मेरी हौसला अफज़ाई होती है और तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे लाइक भी कर रहे हैं, कुछ तो पसंद आ रहा है तो जब भी लाइक कर रहे हैं। तो खैर मैं तो एज अ फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ, एज अ स्टूडेंट भी हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है वो मैं फिर गार्डनिंग में स्पेंड करती हूँ। और बस यही मुझे अभी तो यही मेरी हॉबी है मेरा। तो यहाँ पे मैं सब प्लांट्स को वन बाय वन करके लगा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं हम सीख नहीं सकते, जब तक हम अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो अल्लाह का है, मेरा काम तो है सब लगाना, बाकी सारे काम जो होते हैं वो अल्लाह के ही है, वही ग्रो करता है, वही हमें खिलाता है, वही हमारा मालिक है। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो कब से मेरा वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से प्लांट्स लगा लूँ, मैं प्लांट्स लगाऊँ तो फिर ये पानी दें, ये बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी। माय 4 इयर्स ओल्ड डॉटर हु विल बी 5 इन नेक्स्ट इन जनवरी। सो तो जैसे ही मैंने प्लांटिंग ख़त्म किया लगाना और जल्दी से ये हौसल के वेट कर रही थी मेरा, फिर इसने पानी देना शुरू किया और इतना पानी दिया कि पौधे को सही से बिल्कुल ठीक तरह से क्या होगा। तो जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसको 1 वीक तक उसको ड्राई नहीं होने देना है हमें, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो कि वो पौधा ही मर जाए, मतलब आपने चेक करते रहना है कि पानी सही है कि नहीं है, ड्राई तो नहीं हो गया बिल्कुल तेज़ धूप में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।